हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने गया है। एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16। तो क्या करेंगे, अभी अभी ये थोड़ा थोड़ा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की तरह दिख रहा है, ठीक, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इसके पास क्या नहीं है, वाई क्यूब की कमी है। तो इसको हम लोग 16 को स्प्लिट कर देंगे 8 और 8 में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, और ये प्लस 8 अलग है, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब प्लस 8x प्लस 8 का होल क्यूब, ठीक। और ये 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सॉरी 2 का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक। अब क्या हो गया, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब की, तो ये जाएगा एक्स प्लस 2 प्लस 2 होगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एक्स वाई एक्स 2x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 4, ठीक। फिर प्लस 2 2 4, ठीक है, ये आया। इसको करेंगे x प्लस 4, ठीक, इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हो जाएगा माइनस 2x, ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, और इधर ये प्लस 2 माइनस 2 भी कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर, x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया हमारा, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, 2 2 4x, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 2 2 4x हो जाएगा, तो 4 ये कटेगा नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है, ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस 2b। अब हमें ये आधा अधूरा ए क्यूब समथिंग a माइनस समथिंग का क्यूब लग रहा है होल क्यूब, तो क्या करेंगे, 2b क्यूब को हम लोग स्प्लिट कर देंगे b क्यूब और b क्यूब में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² एक माइनस बी क्यूब इसको दे देंगे और एक माइनस बी क्यूब बाहर रखेंगे, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर, तो ये हो गया हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए माइनस बी प्लस बी सॉरी ए माइनस बी माइनस बी एक्स माइनस वाई होगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सॉरी तो एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको लिख सकते हैं, एक्सपैंड कर दिया मैंने। फिर प्लस एक्स वाई, प्लस एक्स वाई क्या होगा, ए बी इंटू ए बी माइनस बी स्क्वायर हुआ, और प्लस एक्स स्क्वायर एन बी स्क्वायर, ठीक। तो अब इसे देखो, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक, तो क्या आया, ए ये हो गया माइनस 2b, ए माइनस 2b ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया।